शांति ओम शांति ओम शांति। देखो एक उदाहरण के तौर पर समझा, एक डॉल है, डॉल खिलौना, उसको की दिया जाता है। की माना क्या है? चाबी। की दिया जाता है, वो जब चाबी दे दिया तो वो अपना काम करता रहता है। कितना टाइम करता है? जब तक वो डिस्चार्ज हो तब तक वो काम करता है। बीच में जाकर के आप उसको रोकने का काम किया तो आपको होता है क्या? जो चार्ज हो गया है उसको बीच में जाकर के कंट्रोल करने का काम करता है तो वो रोकता है क्या? नहीं। पूरा डिस्चार्ज होने के बाद क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। फिर आपने दबाया तो फिर हो जाता है या नहीं? हमने भी ध्यान से सुनो, हमने भी कभी कभी किसी किसी को किसी ना किसी रूप से ऐसे की घुमा के आ गया, वो सब खिलौने के रूप में हमारे सामने, सास के रूप में, बहू के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में, बॉस के रूप में, कोई ना कोई रूप से खिलौने के रूप से हमारा सामने खेल कर रहा है। समझो, हमारा कर्मों को डिस्चार्ज कर रहे। आप बहुत विज्ञान दृष्टि से देखो तो मजा आएगा खेल देखने के लिए। इसलिए बाबा इस ड्रामा को खेल कहते हैं। ये खेल है, हम फंस जाते हैं। मुझे क्यों हो रहा है? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुद्ध आत्मा हूं, उस जागृति से नीचे आ गया। कितने प्रकार के कीस लगा के आया है, उतना उनों के द्वारा हमको क्या होता है? झंझट होता है। इतना उन्होंने से हमका कर्म का हिसाब किताब भोगना पड़ता है। कोई भी चींटी भी आपको बिना हिसाब काटेगा नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, उसी रोड में जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कितना चींटी है, कितना चींटी है। अरे मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे हिसाब ही नहीं। कई लोग योग करते बैठते हैं, मैं देखता हूं ऐसे ही मस्किटो बैट लेकर के क्रिकेट मैच बैडमिंटन खेलता रहता है। किसी से पूछा, भाई जी क्या कर रहे हैं? तो बोलते मैं मस्किटो को मुक्ति दे रहा हूं, मच्छर को मुक्ति दे रहा, उसको मुक्ति दे रहे हैं। अब कारण बंधन में आ पा रहे। कभी भी किसी भी जीव को भी हमारे तरफ से भावना नहीं बिगड़ना है। अगर आपके घर में ज्यादा मच्छर है, ज्यादा क्या बोले मक्खी है, ज्यादा चींटी है, ज्यादा क्या बोलते हैं कॉकरोच है, क्या बोलते हैं वो कॉकरोचेस होता है, तो उसका कारण यही है आपने उसके प्रति बहुत द्वेष भावनाएं इस प्रकृति में प्रकट किया है, इसीलिए आता है। एक माता जी मेरे पास आकर के बोला, भाई जी मैं कितना ट्राई करके करके कितनी तरह से वो क्या क्या होता है ना वो पॉइजन, वो सब लगा के मुझे नाराज हो गया, ये तो छूटता ही नहीं। मुझे बहुत इसके प्रति भावना, बहुत वाइल्ड भावना आ रही, मुझे क्या करना है भाई जी। मैंने बोला, माता जी आप एक हफ्ते खास 10 मिनट लेकर के जिस भी जीवों को आपने जाने अनजाने दुख किया है उससे आप क्षमा मांगना है। कैसे भाई जी? इतना ही करो, कोई भी जीव हो सकता है, वो चींटी भी हो सकता है या मनुष्य आत्मा भी हो सकता है। किसी को दुख देने का अधिकार हमको नहीं है। सत्युग में तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाबा हम बच्चों को इतने बातें समझाते, कभी भी बच्चों के प्रति भाव नहीं बिगड़ता है, क्योंकि बाबा सुख का सागर है। तो हमको किसने अधिकार दिया दूसरों को दुख देने का? ये हमने अपने गलत रास्ते ढूंढ लिया है।
अगर आपके घर में जो चींटी है या कॉकरोच है या कोई ना कोई मच्छर है वो बहुत हो गया, तो आप 5 मिनट बैठ करके उस शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करो, यानी उसको SMS भेजो, जैसे मोबाइल में SMS भेजते हो वैसे SMS भेजो। कैसा भेजना है? हे शुद्ध आत्मा, जाने अनजाने पिछले जन्म में आपके प्रति मैंने द्वेष का भाव प्रकट कर दिया, आपको देख करके मैं तिरस्कार किया, अभी मैं अपने गलती को महसूस करता हूँ, मुझे क्षमा करो, इस दुनिया में आपके लिए बहुत जगह है, ये घर छोड़ के चले जाओ। ऐसे आप बोलते रहो तो वो सब चले जाएंगे। कोई भी जीव हमको तकलीफ नहीं देता है, भले पूरी हाल में मच्छर हो, पूरी हाल में चींटी हो, आपको काटेगा भी नहीं। मेरे वो अनुभव अपने आप को गर्व से कहता हूं। एक बार मैं एक हॉल में रहना था, एक क्या बोलते हैं, इंटेंशनली मना रहना ही है, ऐसा एक पेपर आया, उसमें बहुत मच्छर, सभी बोलता है पूरे रात आप सो नहीं सकते। तो मैंने कुछ भी भाव नहीं बिगाड़ा, मच्छर को भी अपना एक प्रेम भावना से उसको भी हम वाइब्रेशन दे दें, ऐसे सोच करके बाबा को याद करके वो पूरा हाल में एक वाइब्रेशन फैला दिया। ये मच्छर सभी भी शुद्ध आत्माएं हैं, ये किसी को भी काटने वाला नहीं है, मुझे किससे भी राग द्वेष नहीं है, ये सब भी प्रकृति से हमारे ही किए हुए कर्मों का फल के रूप में निकल के आया है। ये अगर मेरा काटेंगे तो मैं समझता हूँ मेरा शरीर उसके लिए एक होटल बन गया है, पार्टी कर रहे हैं, हिसाब है तो चुप्त कर दे, अगर हिसाब नहीं आए तो चुप्त हो जाए, मैं उनको कभी भी दुख का भावना नहीं रखे, ऐसे मैं संकल्प करके सो लिया, एक मच्छर भी काटा नहीं। किसी से कुछ भी हमको रिटर्न में मिलता है तो समझो हमारा ही बीज है, कर्म का बीज, चाहे जीव हो सकता है, चाहे मनुष्य आत्मा हो सकता है, चाहे पशु हो सकता है। एक कुत्ता भी आप देखते हो ना, उसको देख करके ऐसे भाव नहीं, मुझे कुत्ता तो देखने में अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं। हमने ही इस प्रकृति को बिगाड़ा है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले लो। सत्युग में कुत्ता होता है? कुत्ता होता है नहीं, मच्छर होता है, चींटी होता है, इधर कैसे प्रकट हो गए? मनुष्य जब सबको भी दुख लेने का संस्कार उसमें आ गया, रावण का संस्कार उसमें प्रकट हो गया, उसी का एग्जाम्पल रूप में ये प्रकृति ने भी क्रिएट कर दिया, एक कुदरत में भी आ गया। देखो तुम जैसे सबको भी सूक्ष्म रूप से दुख देते हो ना, ऐसे भी बिना पता चले ये सब चींटी ये सब मच्छर भी तुमको दुख देता है। तुमने किसी ना किसी जन्म में किसी का नींद को फटाया, नींद करने भी नहीं दिया, वैसे सूक्ष्म रूप से आपने उसको बहुत मानसिक रूप से दुख दिया, इसलिए मच्छर निकल के आकर के आपको नींद करने नहीं देता है। ये सब कर्म का फल है, ये सब कर्म की गुह्यता है। ऐसे नहीं सोचो कि मेरे को ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये सब हमारा पिछले जन्मों का कर्मों का कहर है। समझ में आए? जितना हम हर जीव मात्र, चाहे पेड़ हो सकता है, चाहे कोई कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, चाहे कोई किसी भी तरह की जीव हो सकता है, मंडक हो सकता है या कॉकरोच हो सकता है, उन सबको भी इसी नजर से देखो, शुद्ध आत्मा है, वो मुझे कभी दुख नहीं देता है, वो आया है तो शान से चले जाएगा, उसको मैं कभी भी मारना नहीं, ना मैं उससे दुख का वाइब्रेशन लूं या मैं उसको दुख का वाइब्रेशन दूं, ऐसे आप श्रेष्ठ संकल्प करो। बाबा कहते इस दुनिया का रक्षक, इस दुनिया का आधार मूर्त, इस दुनिया का डबल अहिंसक आप बच्चे हैं, तो किसने अधिकार दिया इन जीवों का जान लेने के? जब उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते तो कैसे उसको हम मार सकते?
एक बार सोचो गहरी रूप से। हम सभी इस दुनिया में एक कर्मों के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है? अपने शुद्ध आत्मा के जागृति में